हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मम्मास फूड कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मुहर्रम पे जो बनती है 10 तारीख पे चोंगा रेसिपी, वो बनाएंगे तीन फ्लेवर के। ये बहुत ही बढ़िया है तीनों ही फ्लेवर। ये इसमें एक मैंने चॉकलेट का बनाया है मीठा पराठा, और ये जो एक हमेशा से बनता है प्लेन ड्राई फ्रूट वाला पराठा वो बनाया है, और एक जो है वो मैंने पनीर फील करके अंदर उसके मीठी पराठा जो है पनीर का बनाया है। ये तीनों ही फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगते हैं और बहुत ही सिंपल है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और टेस्टी तो है ही सही। आइए हम बनाते हैं मीठे पराठे। उसके लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है छान के, और उसमें हम जैसे नमक मिलाते हैं रोटी के आटे में उससे मामूली सा कम नमक मिलाएंगे, और एक टीस्पून जो है शुद्ध घी मिला के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारे आटे में। और इस पर हम फिर इसका थोड़ा सा सख्त आटा जैसे हम पूड़ी पराठे के लिए लगाते हैं वैसे हमें लगाना है अच्छे से पहले घी मिक्स करके, और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमें इसे हल्का सा कड़क आटा गूंदना है। पानी थोड़ा थोड़ा ही मिलाएंगे ताकि हमारा आटा जो है पतला ना हो जाए, और फिर इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इसके ऊपर हम हल्का सा घी स्प्रेड कर देंगे ताकि पपड़ी ना जमे इस पर, और इसे ढक के हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। और फिर हम इसके लिए जो है पराठे पे ऊपर शुगर सिरप डलती है वो बनाएंगे। उसके लिए आधी कटोरी पानी और एक कटोरी शक्कर मिला के हम इसे गैस पे चढ़ा देंगे, और इसे हाई फ्लेम पे ही हम रख देंगे शुगर सिरप को बनने के लिए, और ये करीब पिघल जाएगी जब हमारी शुगर। तो हम पहले इसमें हरी इलायची ऐड कर लेंगे, और उसके 3-4 मिनट तक और हम पकाएंगे तो हमारी एक तार की चाशनी बढ़िया रेडी हो जाएगी। ये देखिए हरी इलायची मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ, और मैं आपको बताऊँगी कि एक तार की चाशनी हम कैसे चेक कर सकते हैं। ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे, और फिर हम हाथ को हमारे थोड़ा सा धो के और झटक के फिर चाशनी चम्मच में लेके पहले फूकेंगे थोड़ा सा, नहीं तो हाथ जल सकता है हमारा। ये देखिए एक तार आपको दिख रहा होगा, इसे फिर हम टच करके चेक करेंगे। और यहाँ हमारा आटा भी बढ़िया भीग गया है, इसे हमने गूंध लिया है थोड़ा सा, और यहाँ ड्राई फ्रूट रेडी कर लिए हैं मैंने। यहाँ पर नारियल और काजू बादाम लिए हैं, और चॉकलेट जो है आप कोई सी भी ले सकते हैं। यहाँ इसे भी मैंने हल्का सा मेल्ट कर लिया है, और पनीर को भी कद्दूकस करके तैयार कर लिया है। अब ये हमारे जो हमने आटा था उसको तीन भागों में डिवाइड करके तीन गोले बना लिए हैं। अब इसका हम स्टफ़ करेंगे। पहले एक गोला लेके उसमें पनीर डाल दिया है मैंने। आप चाहे तो पनीर को मीठा भी कर सकते हैं, मैं यहाँ फीका ही पनीर ऐड कर रही हूँ क्योंकि ऊपर से शुगर सिरप डलेगा। अब हम जैसे पराठे बनाते हैं उसी तरह से इसका बिल्कुल इसे अच्छे से पैक कर लेंगे ताकि पनीर कहीं से बाहर ना आए, और हल्के हाथ से इसे हल्का सा मोटा पराठे जैसा ही बेल के अब हम बढ़िया सा इसे शुद्ध घी में सेकेंगे। आपके पास जो भी तवा हो वो आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक पैन लिया है जिससे कि हमारे पराठे और बढ़िया से सिके। देखिए मैंने गरम कर लिया तवे को, और उस पर हमारा पनीर का पराठा डाल दिया है। अब इसे हम अच्छे से पलटते हुए शुद्ध घी लगाते हुए दोनों तरफ हल्का सा प्रेस करते हुए और मीडियम फ्लेम पर इसे सेकना है, और 2 मिनट के अंदर ही हमारा ये पनीर का पराठा बिल्कुल मीठी रोटी रेडी हो जाएगी। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है हमारी पनीर की मीठी रोटी। अब इसे हम जैसे ही सेकेंगे वैसे ही हम इसे निकाल के और गरम गरम पर ही हमें इसे इस पर शुगर सिरप डालना है। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है हमारा पनीर का पराठा। इसके ऊपर अब हम अच्छे से बढ़िया शुगर सिरप मिलाएंगे डालेंगे, क्योंकि पनीर भी फीका है इसलिए इस पर हम थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल देंगे शुगर सिरप तो अच्छा टेस्ट लगेगा इसका। और ये जो ड्राई फ्रूट हमने और नारियल का बुरादा तैयार किया है वो भी इस पर बढ़िया सा डाल देंगे, और गर्मा गर्म आप इसे इंजॉय कर सकते हैं अपने मनचाहे शेप में काट के। मैं यहाँ पर इसे पिज्ज़ा जैसा काट रही हूँ। ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है और सभी को बहुत पसंद आती है और हेल्दी भी है। और यहाँ पर मैं एक प्लेन फिर मीठी रोटी बनाऊँगी, उसको हम सिंपल बेल लेंगे। पहले हल्का सा मोटा रोटी से थोड़ा सा मोटा बेलना है, और उसे भी बढ़िया सा प्योर घी लगा के दोनों साइड से सेकना है। इसे भी आप मीडियम फ्लेम पे सेक सकते हैं, हल्का सा प्रेस करते हुए इसे भी सेकना है हमें ताकि बढ़िया से अंदर तक की ये सिक जाए। और ये हमारी प्लेन जो है मीठी रोटी उसके ऊपर अब हम शुगर सिरप डालेंगे। देखिए बढ़िया से हमारी प्लेन पराठा भी हमारा ये जो है तैयार हो गया है। अब इसे गरम गरम पर ही हमें शुगर सिरप सभी पे डालना है। इसमें हल्के से हम चिमटी जैसे काट लेंगे या फोक से थोड़े से इसको छेद भी कर सकते हैं आप चाहें तो, और इस पर बढ़िया शुगर सिरप फैला के और नारियल और ड्राई फ्रूट जो है वो भी डाल के इसे भी बढ़िया गरम गरम आप इंजॉय कर सकते हैं। ये ऑथेंटिक रेसिपी है चोंगे की, चोंगे बोलते हैं मीठी रोटी को, और इसे भी हम बढ़िया से कट कर लेंगे।
ये स्पेशल 10 तारीख को मुहर्रम के दिन में बनती है, ये देखिए। और अब हम चॉकलेट वाला हमारा जो है मीठा पराठा वो उसकी तैयारी करेंगे। उसे भी बेल लिया है मैंने और बीच में जो हमारी मेल्टेड चॉकलेट है उसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और इसे भी सेम जैसे हमने पहले पराठे बेले थे वैसे ही बेल लेंगे। अच्छे से इसको अच्छे से दबा लें ताकि चॉकलेट कहीं कहीं से निकले ना। और सूखा आटा लगाते हुए इसे हल्के हाथ से बेलना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, नहीं तो चॉकलेट बाहर आ सकती है। थोड़ी बहुत चॉकलेट आए बाहर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ना निकले इसका ध्यान रखें। और इसे हल्का सा मोटा हम पराठे जैसे बेल के इसे भी बढ़िया सा सेक लेंगे दोनों तरफ से शुद्ध घी लगा के, और हमारा चॉकलेट वाला पराठा भी बिल्कुल रेडी है। अब इस पे हम ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इस पे भी हम गरम गरम पे ही शुगर सिरप बढ़िया सा डालेंगे और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी इस पे हम डाल देंगे। ये देखिए इस पे हमने शुगर सिरप और ड्राई फ्रूट फैला दिया है बढ़िया। इसे भी अब हम अपने मनचाहे आकार का कट करके और गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। ये बच्चों को तो पसंद आती है चॉकलेट वाली रेसिपी, लेकिन बड़ों को भी बहुत अच्छी लगती है। और ये तीनों हमारे बढ़िया से मीठे पराठे तैयार हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमेशा खुश रहें। थैंक यू।